हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए मोटो ब्लॉग में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप बॉलीवुड के करीब 8 से 10 सेलिब्रिटी का घर देखने वाले हैं और आज हम निकल गए हैं बांद्रा के बैंडस्टैंड इलाके में, जहां पे जो है सलमान खान, शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, रेखा जी, फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी लोगों का घर है। वो सब मैं आपको इस एक वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए इसी तरीके का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं जो है अपने घर से निकला हूं जस्ट अभी, और अभी ये बांद्रा है, वेस्ट का इलाका है, और यहां से जो है सिर्फ 300 मीटर की दूरी से जो है हमारा जो लोकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जुड़े रहिएगा। मुंबई में जितने भी सेलिब्रिटी लोग हैं वो सब जो है दोस्तों ज़्यादातर बांद्रा या फिर जुहू में ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो बांद्रा के बैंड स्टैंड में, पाली हिल में, काटा रोड पर रहते हैं, और बहुत हैं जो जुहू में रहना पसंद करते हैं। तो ये दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ, ये जो एरिया है काफ़ी ट्रैफिक है, अभी देख सकते हैं सैटरडे है, सैटरडे और संडे को मुंबई में ट्रैफिक आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो अभी देख सकते हैं ट्रैफिक कितना है, और ये साइड में ये चर्च है, और यहाँ से मुझे जो है वो राइट लेना है। तो चलिए यहाँ से हम थोड़ा ये राइट जो है हम लेते हैं, और फिर यहाँ से लोकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। अब सबसे पहला जो घर आएगा दोस्तों वो आएगा सलमान खान का। तो यहाँ से अभी जहाँ हूँ मैं देख सकते हैं चालू हो चुका है बांद्रा जो है वो वेस्ट, और ये बांद्रा वेस्ट में आप आएंगे ना तो आपको देखिए आई लव बांद्रा का जो एक मिलेगा देखने को, यहाँ पे आई लव बांद्रा लिखा हुआ है। यहाँ सामने आप दोस्तों देख सकते हैं, ये देखिए आई लव बांद्रा लिखा हुआ है ना। यहाँ से आपको बस ये सामने वाला जो है देखिए बिल्डिंग जो दिख रहा है ये दिखाता हूँ अभी मैं आपको, ये सलमान खान का घर है, ये आ चुका हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए लोगों की कितनी भीड़ है, भीड़ देख सकते हैं दोस्तों सेल्फी लेने के लिए। उनके घर का जो नाम है वो गैलेक्सी है, और ये घर है यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वाला जो घर है ना गैलेक्सी, और ये जो घर है वो है सलमान खान का। और ये जो बालकनी देख रहे हैं वो बालकनी पे सलमान खान आते हैं कभी कभी ईद के मौके पर, बर्थडे के दिन। तो लोगों की भीड़ आप दोस्तों देख सकते हैं कितनी भीड़ है लोगों की, यहाँ पे उनके घर के सामने जो है फ़ोटो लेते हैं नेम प्लेट के साथ। ये गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान का घर है टोटल, इसका फुल वीडियो भी मैं बनाया हूँ। तो लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और फिर हम यहाँ से बैंड स्टैंड जो है दोस्तों यहाँ से चालू हो जाता है। सैटरडे संडे को बैंड स्टैंड पर बहुत सारे भीड़ आपको देखने को मिलेंगे, कपल्स लोग ज़्यादा आते हैं। तो ये बैंड स्टैंड का इलाका है पूरा समुद्र के साइड में, और सलमान खान के घर से जो स्टार्टिंग होता है बैंड स्टैंड वो शाहरुख खान के घर तक रहता है। और इसी बीच में दोस्तों बॉलीवुड के 8 से 10 सेलिब्रिटी लोगों का घर है, और मैं जो ये मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ दोस्तों वो जो जिस स्कूटी से कर रहा हूँ मेरे पास जो है बजाज एक्सेस 125 है, तो उसी से मैं मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ। हेलमेट पे गोप्रो कैमरा जो है लगाया हूँ। और सलमान के घर से दोस्तों 300 मीटर की दूरी पे है यहाँ पे जॉन अब्राहम और रेखा जी का नया वाला घर। तो हम उस लोकेशन पे अभी हम आ गए हैं, तो नज़ारा कुछ ऐसा है, सामने का व्यू देख सकते हैं आप। बैंड स्टैंड काफ़ी फेमस बांद्रा का एरिया है, जितने भी कपल्स हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो आते ही हैं। सैटरडे संडे को भीड़ रहती है कर दी। और ये देखिए मैं आ चुका हूँ, सामने आपको दिख रहा होगा ये घर। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा पास से कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो दोस्तों ये वाला जो घर देख रहे हैं ना, ये देखिए बसेरा, ये वाला जो घर देख रहे हैं बसेरा, ये है रेखा जी का घर, ये वाला घर रेखा जी का है। और ये वाला जो घर देख रहे हैं ऊपर, इसके टॉप वाला जो दो फ्लोर है उस पर जॉन अब्राहम रहते हैं, और उसके बगल में ये बसेरा जो रेखा मैम का जो है वो नया वाला घर है, इसका भी फुल वीडियो में बनाया हूँ। और सामने आप देखेंगे, सामने आपको जो है वो नौसेना का जो है वो फाइटर जेट लगा हुआ मिलेगा। तो यहाँ से अभी हम चलते हैं आगे, और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे जो सीकिंग अपार्टमेंट है उसमें रहते हैं आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली। दोस्तों बॉलीवुड के जो भी सेलिब्रिटी लोग हैं उनका एक जगह घर नहीं है,
अलग अलग लोकेशन पर घर रहता है, किसी का बांद्रा में है तो फिर जुहू में, किसी का एक घर बांद्रा में है तो दूसरा घर जुहू में है। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं। अभी मैं आ चुका हूँ आदित्य पंचोली और सूरज पंचोली के घर के आगे। ये देख दोस्तों, देख सकते हैं ये पुराना, काफ़ी पुराना घर है। इसमें पाँचवा वाला जो अपार्टमेंट है ना फ्लोर, ये देखें ये वाला सीकिंग, और ये अपार्टमेंट जो है दोस्तों पुराना आपको दिख रहा होगा ना, सामने पेड़ लगे हुए हैं। तो इसी में पाँचवा वाला जो फ्लोर है उसमें रहते हैं आदित्य पंचोली। आदित्य पंचोली और सूरज पंचोली का एक और घर है जो कि जुहू में है। अब सीकिंग अपार्टमेंट से आप थोड़ा आगे जाएंगे, 100 मीटर की दूरी पर आपको सुपर स्टार शाहरुख खान का घर मिलेगा। वहाँ भी काफ़ी भीड़ रहेगी अभी, मुझे पता है दोस्तों। अगर आप नॉर्मल डे अभी आएंगे तो सलमान खान और शाहरुख खान के घर के आगे काफ़ी भीड़ रहती है। अभी आप दोस्तों देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ। ये है लोकेशन बांद्रा बैंड स्टैंड का, और ये है, ये जो घर देख रहे हैं, ये वाला घर देख रहे हैं ना, ये घर है शाहरुख खान का। ये वाला जो घर देख रहे हैं, ये घर है शाहरुख खान का। थोड़ा मैं आपको दूर, हाँ, पास जाके दिखाता हूँ। तो ये अभी बस लगी हुई है, बस का हम वेट कर लेते हैं, बस निकलेगी फिर दिखाएंगे आपको। लोगों की भीड़ दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है पूरा जो है। और ये वाला जो देख रहे हैं पूरा साइड से जो घिरा हुआ है, ये घर है शाहरुख खान जी का। तो इनका जो घर का नाम है दोस्तों वो मन्नत है। अभी कुछ गेट भी जो है दोस्तों देख सकते हैं, ये वाला जो घर है, ये वाला घर, ये घर है मन्नत। अभी गेट जो है ढक दिया गया है, मैं जब वीडियो बनाने आया था तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, अभी गेट ढका हुआ है। तो ये है शाहरुख खान का घर, सामने लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ है। और अभी मुझे यहाँ से दोस्तों फिर जो है लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेने के शाहरुख खान का जो घर है उसके अपोजिट साइड में जो है वो रेखा जी का पुराना वाला बंगला है, और फरहान अख्तर, जावेद अख्तर का घर है, वो भी दिखाऊँगा आपको। तो यहाँ से अभी मैं ले लेता हूँ, वो ये मुड़ना है मुझे। तो लोगों की भीड़ आप दोस्तों देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और सैटरडे है आज, तो इस वजह से, तो ये दिख रहा है आपको, ये बंगला जो है मन्नत शाहरुख खान का बंगला है, जो कि बैंड स्टैंड के एरिया में समुद्र के ठीक जो है किनारे पे है। लोगों की भीड़ देखिए कितनी भीड़ है। अभी पब्लिक जो है अभी 2 बज रहे हैं, शाम में जो है पब्लिक और आती है धीरे धीरे। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं रेखा जी का पुराना वाला बंगला, तो जुड़े रहिए। और फिर से एक बार बोल रहा हूँ यार, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, उसमें से 1% लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी सब वीडियो देख के चले जाते हैं। ये देखिए सामने आप देखेंगे समुद्र है पूरा, और मैं आ चुका हूँ। देखिए पहला जो घर है ना, ये वाला घर, नहीं देखिए ये वाला जो घर है ना, ये घर ब्राउन कलर का जो गेट लगा हुआ है सामने दोस्तों देख सकते हैं, ये घर है जावेद अख्तर का, ठीक है। जो राइटर है वो है जावेद अख्तर का घर, और जावेद अख्तर के घर के बगल में ये वाला जो बंगला देख रहे हैं, एक पुराना सा बंगला है, भूतिया बंगले के लोकेशन की तरह लग रहा है, काफ़ी लेकिन प्यारा है। जैसे रेखा जी बहुत प्यारे हैं उसी तरीके से उनका बंगला भी जो है, बाहर से आप देखेंगे देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है। इसका भी फुल वीडियो बना के अपलोड किया हूँ मैं चैनल पे। तो ये है रेखा जी का घर, और ये जस्ट बगल में है जावेद अख्तर का घर। और ये जो इसके आपको मैंने जो दिखाया शाहरुख खान का जो बंगला मन्नत, वहाँ से आप थोड़ा सा इस साइड में आएंगे आप मुड़ के, तो ये वाला रोड पर आपको जो है वो मिल जाएगा रेखा जी का ये पुराना बंगला। और ये है जावेद अख्तर का, रेखा जी का वो वाला जो बंगला दिखाया बसेरा, वो अभी उसमें नहीं रहते हैं, वो बिजनेसमैन को दिए हुए हैं अभी। तो ये घर में रहते हैं रेखा जी, अकेले रहते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है, गेट देख सकते हैं दोस्तों, गेट उस ज़माने की गेट है, काफ़ी पुराना लकड़ी का गेट है, और वो भी गेट देख सकते हैं ब्राउन कलर का, वो जावेद अख्तर का है, उसके बगल में रेखा जी का ये घर। और यहाँ से अब हमको थोड़ा आगे जाना है, और समुद्र का ये नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। अभी पानी जो है वो बहुत साइड में चला गया, देख सकते हैं काफ़ी पीछे जो है पानी चला गया है। तो लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पे सेल्फी के लिए, कपल्स लोग आते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो अभी हम यहाँ से जस्ट आगे जाएंगे, ये देखिए ये वाला जो घर आ गया ना, रेखा जी के घर से जस्ट थोड़ा आगे बढ़ेंगे आगे, तो ये जो घर दिख रहा है आपको, ये घर है जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर का।
तो ये वाला जो सामने ये घर दिख रहे हैं, आलिशान बंगला है, यहाँ से स्टार्टिंग है और पूरा वहाँ तक है। इसके पीछे जो है बंगला है, तो ये गेट है, दीवार है ये, और नेम प्लेट लगा हुआ है। तो कुछ ऐसा है नज़ारा, यह है जावेद अख्तर के बेटे बॉलीवुड एक्टर करण अख्तर का घर। तो ये बैंड स्टैंड है, और बैंड स्टैंड में कौन कौन से सेलिब्रिटी का घर है वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप आएंगे आई लव बांद्रा जो लिखा हुआ है, उससे आगे आएंगे सलमान खान का घर मिलेगा देखने को, उसके बाद थोड़ा आगे आएंगे तो जॉन अब्राहम, रेखा जी का नया वाला बंगला बसेरा, फिर शाहरुख खान का है, और आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली, और फिर रेखा मैम का पुराना बंगला, जावेद अख्तर और फरहान अख्तर का बंगला है। देखिए एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, ये जो दिख रहा है ना ये फाइटर जेट, ये वायुसेना का फाइटर जेट है, ओरिजिनल फाइटर जेट है। और ये जो दोस्तों कार्यरत था 1983 से 2016 तक कार्यरत था, और इसका जो है वो नाम है IN-617। तो ये ओरिजिनल फाइटर जेट है। ये रेखा जी का जो नया वाला वसेरा बंगला है उसके जस्ट आगे में ये लगा हुआ आपको मिलेगा बैंड स्टैंड में, और वो वाला जो घर देख रहे हैं उसकी टॉप फ्लोर, दूसरा जो फ्लोर है टॉप वाला, तो उस पर जो है जॉन अब्राहम रहते हैं। जॉन अब्राहम का एक और घर है जुहू में भी है। तो यहाँ से अभी हम निकलते हैं, आपको बैंड स्टैंड में जितने भी सेलिब्रिटी का घर था वो दिखा दिया हूँ, और फुल वीडियो भी मैं अपलोड किया हूँ तो आप देख सकते हैं। और एक और घर है बैंड स्टैंड में, पूजा भट्ट का घर है, लेकिन वो थोड़ा दूर है उस लोकेशन पे, उसका एक अकेला ही घर है, तो इस वजह से हम उसको इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये है नज़ारा बैंड स्टैंड बांद्रा का। अगर आप कभी भी मुंबई आते हैं और मुंबई में बांद्रा आते हैं तो बैंड स्टैंड ज़रूर आइए घूमने के लिए, आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी लोकेशन मिल जाएगी, और घर भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, बॉलीवुड सेलिब्रिटी का घर मिलेगा, आप 7-8 सेलिब्रिटी का घर देख सकते हैं बैंड स्टैंड में अगर आते हैं तो। तो शाम जैसे जैसे ढलेगा, शाम ढलते ही यहाँ पे लोगों की भीड़ लगेगी, और अभी आप पानी देखेंगे, पानी जो है दूर चला गया है, और पत्थर के साइड में आपको कपल्स लोग जो है चिपके हुए मिल जाएंगे। तो मैं इधर आते रहता हूँ, लोकेशन अच्छा है तो कभी यहाँ पे घूमने के लिए आता हूँ, क्योंकि मैं भी बांद्रा में ही रहता हूँ। और एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, वीडियो जो है मैं कैसा बना रहा हूँ, साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, और मैं कुछ चेंजेज कर सकता हूँ वो भी बताइए। देखिए सलमान खान का घर है ये, और सलमान खान के घर के आगे आप देखेंगे ये जो है ना गैलेक्सी अपार्टमेंट, ये वाला देखिए, ये है सलमान खान का घर। तो अभी हम यहाँ से फिर से वापस निकल रहे हैं, और अभी हम जो लोकेशन है वो बांद्रा वेस्ट का लोकेशन है मुंबई, और ये आई लव बांद्रा दिख रहा है। इस वाले रोड में आप जाएंगे आपको सारे सेलिब्रिटी का घर मिलेगा जो कि बांद्रा में रहते हैं। बांद्रा में एक आप आएंगे तो एक बैंड स्टैंड में सेलिब्रिटी लोगों का घर मिलेगा, और एक पाली हिल में करीब 15 से 20 सेलिब्रिटी रहते हैं, और इसके बाद आपको जुहू में मिल जाएगा। काटर रोड पे भी हैं, काटर रोड पे भी 3-4 सेलिब्रिटी लोग रहते हैं। सबका मैं एक मोटो ब्लॉगिंग में जो है कोशिश करूँगा सबको कवर करूँ। ये अलग अलग वीडियो तो बनाता ही हूँ, 5-6 मिनट का वीडियो रहता है, एक सेलिब्रिटी का घर दिखाता हूँ, थोड़ा उसमें डिटेल में बताता हूँ। तो मैंने सोचा कुछ नया करते हैं, क्योंकि गोप्रो मेरे पास है ही, ट्रैफिक दोस्तों देख सकते कितना ट्रैफिक है, तो गोप्रो कैमरा है, हेलमेट भी है, तो सोचा एक मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ और उसमें जो है एक वीडियो में ही सारे सेलिब्रिटी का घर जो है वो कवर कर दूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाइम के अभाव में वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो सेलिब्रिटी लोगों का घर एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ये चर्च है, काफ़ी पुराना चर्च है। तो अभी हम यहाँ से फिर वापस जा रहे हैं, और फिर दूसरे लोकेशन पर निकलेंगे। अभी हम जाएँगे पाली हिल, पाली हिल में भी बहुत सारे सेलिब्रिटी का घर है, उसको हम कवर करने वाले हैं, तो वो चीज़ आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी हम इसी रूट से वापस जा रहे हैं जिधर से हम आए थे। तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा है, और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने के लिए। अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी लोकेशन का वीडियो बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूं कुछ नया करूं, कुछ अलग टाइप की वीडियो बनाऊं, और उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करते ही रहेंगे। अभी जल्दी से यार 10,000 सब्सक्राइबर पूरा कर दो, आप लोगों ने
बहुत प्यार दिया है, इतनी जल्दी सब्सक्राइबर जो है मेरे पूरे हुए हैं, तो ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।